100 के करीब करीब एप्लीकेशन आज हमारे पास हो गए हैं। बिलखसूस जो 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं बच्चे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो है ये कैंप के में आकर जो है अपना वोटर आईडी बना लें। हमारी मैडम साहिबा जो है सिर्फ इनॉग्रेशन में अपना वक्त लगाते हैं ताकि जो पब्लिक जो वोट देकर उनको जिताती है बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोच रही है। ये कैंप मुनक़िद किया गया है, 4 दिन तक ये कैंप चलेगा। यहाँ पर उन्होंने इमोशनल पैसों के ऊपर वोट का कार्ड खेला जाता है। जनता दल सेकुलर की जानिब से गुलबर्गा शहर में कई सारे इलाकों में ऐसे कैंप्स मुनक़िद करने का हमारा इरादा है। करप्शन कराना है तो करप्शन भी करा ले। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वोटर लिस्ट में से डिलीट करने का, उनको शर्म आना चाहिए। ये काम जो हम कैंप लगा रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। हर वार्ड में जाकर ये वोटर चेक करना है, उनके वोटर आईडी चेक करना है। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road Gulbarga. जैसा कि पिछले 2 दिन पहले आप सभी को इस बारे में इत्तला दी गई थी कि गुलबर्गा ज़िले में 89,000 के करीब करीब वोटर्स डिलीट हुए हैं और उसके अलावा ख़ास करके गुलबर्गा शहर में 19,000 से जायद वोट जो डिलीट हुए हैं, जिसके ताल्लुक से कॉरपोरेशन कमिश्नर को जनता दल सेकुलर की जानिब से अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की हिदायत पर हम लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके जवाब में कॉरपोरेशन कमिश्नर की जानिब से एक ऐसा जवाब आया कि जिन लोगों के नाम 2 बार हैं वोटर लिस्ट में उनके नाम डिलीट हुए हैं और उसके अलावा किसी और के नाम डिलीट नहीं हुए हैं, उस बात के तस्दीक के लिए जब हम लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जिनके हैं उन लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू किया, उसमें से ऐसे बहुत सारे नाम हम लोगों को हासिल हुए जिसमें से मेरी एक वालिदा का भी नाम था जिनका एक ही वोट है और उसके ताल्लुक से मेरे वालिदा के ताल्लुक से क्योंकि वो कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक कैंडिडेट की हैसियत से अपना वोटर आईडी के ताल्लुक से ट्रू कॉपी हासिल किए थे कॉरपोरेशन में, तो उनका भी नाम डिलीट होने के बाद में हम लोगों को ये पूरा यकीन हो गया है कि ऐसे कई सारे तादाद में वोटर्स मौजूद हैं, शायद हो सकता है हज़ारों में हों, जिनका नाम हदफ़ किया गया है, निकाला गया है और उसके नतीजे में हमारे ख़ास करके गुलबर्गा नॉर्थ के कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर अकलियत के कई सारे वोटर्स मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 50% से ज़्यादा अकलियत के वोट्स मौजूद हैं, एक साजिश के तहत वोट्स को डिलीट करने का काम अंजाम दिया गया है। इसका शुबा जैसे ही हम लोगों को हुआ तो अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की ज़ेर क़यादत मुसलसल कैंप्स का आगाज़ किया गया है। पहला कैंप यहाँ पर गोल्ड रोड स्कूल में मुनक़िद है, हमारे असगर हुसैन साहब ऑर्गेनाइज़ उन्होंने किया है, इंतज़ाम उन्होंने किए हैं और मज़हर हुसैन साहब के ज़ेर निगरानी, अशफाक अहमद चुलबुल साहब जो साबिक़ मेयर हैं उनकी ज़ेर निगरानी ये कैंप मुनक़िद किया गया है। 4 दिन तक ये कैंप चलेगा और मज़ीद दूसरी जगहों पर भी जनता दल सेकुलर की जानिब से गुलबर्गा शहर में कई सारे इलाकों में ऐसे कैंप्स मुनक़िद करने का हमारा इरादा है। हम आपसे फिर एक बार अदबन गुजारिश करते हैं कि आप अपने वोट्स हैं या नहीं हैं उसकी तस्दीक कर लें। वोटर हेल्पलाइन नामी एक इलेक्शन कमीशन का ही एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके अंदर अपना जो YCX सीरीज़ का जो नंबर होता है उसको वहां पर डालकर आप देख सकते हैं कि आपका नाम उसके अंदर मौजूद वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, ताकि आप लोगों का वोट, आप लोगों का जो इख्तियार है, आप लोगों का जो हक़ है वो आप लोगों से छिन ना जाए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा अगर कोई इख्तियार अगर जमहूरियत में हासिल है तो वो आपका वोट है और आपका वोट डिलीट ना हो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग उसे देखें।
इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग या तो हमारे कैंप्स में आकर आप लोग इस बारे में इत्तला ले सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन वोटर एप्लीकेशन डालकर आप उसके ज़रिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है। जैसा कि आपको बताया गया था, पिछले 21, 22, 23 तारीख को गोल्डर स्कूल में एक कैंप रखा जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 तारीख पूरा मुकम्मल हुआ है। 100 के करीब करीब एप्लीकेशन आज हमारे पास हो गए हैं, तो अभी ये 2 से 3 दिन हमारे पास ये कैंप चलेगा। तो तमाम आवाम से गुजारिश है कि यहाँ पर आकर अपना न्यू आईडी कार्ड या करेक्शन या वोटर आईडी में से डिलीट हुआ है वो भी यहाँ पर यहाँ कर आकर चेक करा सकते हैं, न्यू आईडी बना सकते हैं। ये काम तो हमारे नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा का साहब का काम था, ये बिल्कुल वो लोग वो फेल हो चुके हैं। और ये बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वोटर लिस्ट में से डिलीट करने का, उनको शर्म आना चाहिए। ये माइनॉरिटी को जो टारगेट बने हैं ये सरासर ये गलत है। ये हमारी मैडम साहिबा जो है सिर्फ इनॉग्रेशन में अपना वक्त लगाते हैं ताकि जो पब्लिक जो वोट देकर उनको जिताती है बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोच रही। ये काम जो हम कैंप लगा रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, हर वार्ड में जाकर ये वोटर चेक करना है, उनके वोटर आईडी चेक करना है। यहाँ पर उन्होंने इमोशनल पैसों के ऊपर वोट का कार्ड खेला जाता है। इंशाल्लाह इस बार हम उनको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे उनको इस बार। ये जो कैंप बनाए हैं यहाँ पर रेड नासिर उस्ताद साहब की तवज्जो से, आप जो बेनिफिट लेना चाहते हैं आप ले लो। यहाँ पर क्या है, वोटर्स जो करेक्शन कराना है या नाम नहीं है उसको दोबारा हासिल करना है हासिल करें। और बहुत ही वोटर जो नहीं है तो बहुत बड़े मुश्किलात आने वाले हैं इंशाल्लाह आगे, उसको अवॉइड करने के लिए आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। करेक्शन कराना है तो करेक्शन भी करा लें। वोटर कैंप आईडी बनाने का जो है कैंप मुनाकिद किया गया है असगर हुसैन साहब की तरफ से और नासिर हुसैन उस्ताद की हिदायत पर, तो लिहाजा हम लोग आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि जो भी हजरात वोटर आईडी से जो है महरूम हैं वो तमाम लोग अपना जल्द से जल्द वोटर आईडी बना लें। बिलखसूस जो 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं बच्चे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो है ये कैंप के में आकर जो है अपना वोटर आईडी बना लें और ये भी तस्दीक कर लें जिसका वोटर आईडी है वो है या डिलीट हुआ है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ वोटर आईडी डिलीट हुए हैं। लिहाजा जिन जिनके पास वोटर आईडी मौजूद है वो लोगों से अदबन गुजारिश है कि वो लोग कैंप में आएँ या फिर म्यूनसिपल्टी में जाएँ, जाकर अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं तस्दीक कर लेकर फिर दोबारा उसको जो है वोटर आईडी के लिए अप्लाई करें। यही हमसे हमारी आपसे गुजारिश है। खाजा कॉलोनी 18 नंबर वार्ड में नासिर उस्ताद साहब की जानिब से आज 100 वोटर आईडी बनाए हुए हैं 24 तारीख तक, और है आप जितने भी आवाम से अपील है कि आके आप जिस जिसके आईडी कार्ड नहीं है वो सुबह 11 से 5 बजे तक आकर बनाइए।